सतबतरिया नहीं बनना। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज बात करेंगे हम तेगालबा बाबा के बारे में। सबसे पहले आप लोग पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं फिर। चलो इन लोगों को हम आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहे, सुहागन रहे, इनके औलाद होते रहे और वो औलाद तेगालबा का नाम लेते रहे। चलवा, औलाद नहीं होगा तो क्या करिएगा? इसके लिए तेगालबा बाबा हाजिर है। काम हो गया है, आओ ठोकवा लो बाबा से। नमो नमो। तो आप लोग ने वीडियो देख लिया कैसी हरकत कर रहा है। इसको बाबा कौन बना दिया हमको तो ये समझ में नहीं आता है। इसको जब ऐसा करना है तो हमारे हिंदू धर्म से खिलवाड़ ना करे। इसको जो एक्टिंग करना है, जो कलाकारी करना है, जो अपने इनके इसके अंदर प्रतिभा है वो अपना ये भागवा कलर छोड़ के हिंदू धर्म बाबा बन के ना करे। जो करना है अपना रियल करे, फेक ना करे, पब्लिक को चुतिया ना बनाए और हमारा हिंदू धर्म में धर्म को मजाक ना बनाए। हम यही चाहते हैं और पूरा बिहार का पब्लिक भी यही चाहती है। हमको तो समझ में नहीं आता कि श्री राम दल के लोग, बजरंग संगठन के लोग क्यों नहीं इस पर कुछ बोलते हैं, क्यों नहीं वो आवाज़ उठाते हैं। उन लोगों को ये गलत नहीं लग रहा है क्या? हो गया उन लोगों को कि कोई बाबा तेगालबा बाबा ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो भी हमारा मतलब हिंदू धर्म में गेरुआ कलर पहन के, बाबा का भेष धर के चुतिया जैसे बात कर रहा है। तो आप लोग इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बजरंग दल हो गया, श्री राम संगठन हो गया, आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? उनको जो करना है वो करे, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमको आपत्ति इस बात से है कि वो किसी चैनल या किसी के कहने पर जो कर रहे हैं। सबसे बड़ा चुतिया तो मुझे आप तक की रिपोर्टर लगता है। इसको कंटेंट नहीं मिलता है, इसको कोई कंटेंट नहीं मिलता है। आप इसके चैनल पर उठा कर देख लीजिए, जितना वीडियो मिलेगा आपको, हमको तो लगता है ज़्यादा आपको तेगालबा बाबा के बारे में ही मिलेगा। तेगालबा बाबा बोलता तो है, ऐसे सब लोग जानता है कि वो बोलता है, कुछ एडवांस बोलता है, लेकिन बोलवाने के पीछे का कारण ये सब यही है। सब पीछे से सिखाता है ऐसा ये सब। जब वो कुछ भूल जाता है, जैसे ना स्क्रिप्ट दिया जाता है, स्क्रिप्ट भूल गया बंदा तो उसको बता रहा है कि ये बोलो, ऐसा करता है ऐसा सब। इसको तो मीडिया मानते ही नहीं है, हम मीडिया तो हाईली नहीं है। ये सब अपना घर परिवार चलाने के लिए ये सब करता है सब। लेकिन जो भी करना है आप अपने दम पर करिए, किसी धर्म का सहारा लेकर ऐसा नहीं करिए। ये बहुत गलत चीज़ है, हमारे आस्थाओं को ठेस पहुंचता है इससे। हमारा देश धर्म प्रधान देश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म का चोला ओढ़ के कुछ भी करिएगा, कुछ भी हम लोग देखते रहेंगे, कुछ भी सुनते रहेंगे। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और जो भी हमारा धर्म का मजाक बना रहा है उसके खिलाफ़ आप लोग आवाज़ उठाइए वीडियो को शेयर करके। मैं तो यही कहूँगा, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है भाई ये सब चीज़ देख के। तुमको जो करना है वो करो ना भाई, तुमको एक्टिंग करना है एक्टिंग करो, बाबा का नाम बदनाम मत करो, बाबा का नाम बदनाम मत करो। तुम किसी का शादी कराओ, किसी से आई लव यू बोलो, लंद फंद जो करना है वो करो, लेकिन तुम
अपना सिविल ड्रेस में आओ, नॉर्मल ड्रेस में आओ, ये बाबा वाला ड्रेस, बाबा वाला रुद्राक्ष का माला धारण किए हो, ऐसी ऐसी भाषा का तुम यूज करते हो ना कि एक सब आदमी तुमको देख नहीं सकता है। बात करते हो बाबा, और लोग उन्हीं को भी देखना चाहेंगे।